आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैन। अभी हम रगूड़ा गांव जो है नेशनल हाईवे के बिल्कुल यहां पे पास में पड़ता है, नेशनल हाईवे के ऊपर हैं, रगूड़ा एरिया में पड़ता है ये एरिया, और यहां से हम गुजर रहे थे। यहां पे हमने देखा ये शेड नुमा यहां पे कुछ बना हुआ था, स्मार्ट फोन इनका यहां पे जो खिलारा यहां पे पड़ा हुआ था। हमने जानना चाहा कि आखिर कारण क्या है, क्यों ये सामान जो इस तरह से खिलरा पड़ा हुआ है, और ये बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों ये जो सामान है यहाँ पे इस तरह से खिलारा पड़ा हुआ है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया। शाजिया जी, ये सामान क्यों यहाँ पे इस तरह से खिलारा पड़ा हुआ है? ये इधर कुछ लोग आए थे, मैं तो घर में नहीं थी, मैं दवाई कल शाम को ही मैं दवाई लेने गई थी, मेरा हस्बैंड यहाँ पे नहीं था जी। ये सामान लेने गया था दुकान का। आपका यहाँ पे क्या था? ये खोखा बनाया हुआ था टीन का। हाँ, दो बच्चे थे इधर ही, तो कोई लोग कुछ लोग आते हैं, ये घर आगे चले जाते हैं, 10-15 लोग आते हैं। कौन लोग थे वो, कोई पता किया? कहते हैं फॉरेस्ट के। अच्छा, हाँ। आप नहीं थे यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं थी यहाँ पे। अगर फॉरेस्ट का है तो आप देखो ना, इधर सब होटल चल रहे हैं। हमने ये छोटा सा चाय के लिए बनाया था, तो अपने बच्चे पाल रहे थे। कौन करता है इसको, कौन चलाता है? मेरे घर वाला चलाता है। हाँ, कितने साल हो गए यहाँ पे इसको काम करते हुए? ये कोई 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल? हाँ। तो क्या कारण बताया उन्होंने, क्यों तोड़ा इसको? ये बोलते हैं इधर फॉरेस्ट में ये, हाँ, इधर बुत्ती लगाई है, ऐसे बोलते हैं। इतनी सारी जगह ही सिर्फ आई है ये, बाकी बोलते हैं। हमें फोन किया, अब ये पता नहीं किसने फोन किया, हम चाहते हैं कि ये पता चले कि कौन फोन कर रहा है। मतलब आप ही के लिए फॉरेस्ट लैंड है या बाकी जो बड़ी बड़ी दुकानें होटल बने हुए हैं? पता नहीं सर, ये तो हमारे लिए ही दिख रहा है। आप देख रहे हो ये सामान बिखरा, रात को इधर ही देखो ऐसे ही बैठे हुए हैं बच्चों को लेके। इधर इधर 10-15 घर है सारे। अच्छा, हाँ, इधर ही बस यही टीन का खोखा कच्चा था, ये पक्का भी नहीं था जी। दिहाड़ी लगा रहे थे? अपने दिहाड़ी लगा रहे थे, बच्चों की फीस रखी हुई थी मैंने गले में, वो भी नहीं है इधर, नहीं कुछ है, कोई 20,000 रुपया, वो भी नहीं, उसका भी नहीं पता। सामान तोड़ दिया, ये देखो आप सारा सामान तोड़ दिया। ये बच्चे थे दोनों, ये भी इधर ही थे दोनों। छोटू, क्या नाम है आपका? सैमी। सैमी, क्या हुआ था यहाँ पर? कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये सारा कुछ तोड़ दिया। हमने बोला बोलते हम फॉरेस्ट के, फिर उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। हम पापा भी नहीं थे इधर। दुकान पे कौन कौन था यहाँ पे? हम दोनों। आप दोनों थे यहाँ पे? कितने लोग थे? 5-6। 5-6 लोग थे, तो आपको लगी शगी तो नहीं कहीं कुछ? आपने उनको बोला मत तोड़ो इसको, फिर क्या बोला उन्होंने? बोला उन्होंने बोला फॉरेस्ट के। आपका नाम क्या है? आसिफ। क्या हुआ था कल? थोड़े लोग आए थे, 10-15 आए थे, सब तोड़ डाला उन्होंने। सब तोड़ डाला, अब क्या करोगे? अब और ही बैठे। क्या नाम है भैया आपका? कल महमूद। महमूद जी, क्या काम करते थे आप पहले? इससे पहले ड्राइवरी करते थे सर। हाँ, तो ये कब से कर रहे हो आप? ये 10 साल हो गया सर इसको मैंने करते। 10 साल हो गए आपको ये करते? जी जी। तो क्या कारण बताया आपको, ये क्यों तोड़ा? सारे कारण कोई नहीं है, ऐसे ही मतलब इतने, इधर हमारा मल्ला है पूरा, नीचे घर है मेरा, ऊपर मेरे घर एक घर है, साथ में हमारे 10 घर है इसी लैंड में। अच्छा। नीचे घर है हमारा, और यहाँ हमारा ट्रा फार्म लगा इधर सर, हमारा इधर सब बिजली का बिल, पानी का बिल, मतलब मैं अपने बेड़े के आगे खोखा बनाया 10 साल पहले, भैंस बांधता था इधर, गाय बांधता था, वो मैं आरसपुरा में बेच दिया, उधर अपने ससुराल में बेच दिया। अब इन्होंने इधर लोकल गार्ड है हमारा, वो उसने मेरे को बोलता 50,000 मुझे दे, मैं किसी बात का, हमारी ज़मीन अपनी है, माल की हमारे पास कागज है इसके। अच्छा। 100 साल के पुराने हम इधर पसंदे रहते हैं, और उसको हम कैसे पैसे देते हैं देंगे इसको? मैंने उन्हें कल शाम को, मैं इधर इधर नहीं था, मैं गया था सनरवाल में सामान लेने, पीछे तीनों बच्चे थे, वो आया, उन्होंने क्या काम किया सामान मेरा कोई बाहर फेंका ऐसे, बाकी गहती से उसकी बिलचे थे, उन्होंने नीचे इसको नीचे गिराया, गिरा के चल गए। लगभग कितना नुकसान हुआ है? नुकसान सर मेरा सारा सामान था, दुकान का सामान कम से कम मेरा 3-4 लाख का सामान था अंदर पड़ा हुआ, और पैसे थे बच्चों की फीस देनी थी, मैंने इसी रखी थी, मैंने मेरे गार्ड में किसी से लेने थे पैसे लेके, मैं गले में रखी थी फीस, उसमें 25,000 रुपये पड़ा था, मगर उसमें मैं कोई नहीं, बाकी दुकान की चेंज भी थी वो भी नहीं मुझे मिली, कुछ नहीं मिला मुझे। अच्छा। हाँ, जब मैं आया इधर बच्चे थे, बच्चे रो रहे थे बैठ के, रात जैसे। कौन सा गार्ड था जो आपसे पैसे मांग रहे थे? एक खातम गार्ड है, जहाँ का लोकल है, हमारे रगूड़े गाँव में रहता है खातम। अच्छा। हाँ, तो अभी रात को मतलब आप सामान के पहरे इधर ही बैठे, फिर पूरा खिलारा पड़ा हुआ है इधर ही? मैं सोया है, मैं बिस्तर डाला इधर ही सोया, इधर ही बैठा, इधर कहाँ जाना? अब क्या मांग करते हैं आप? हर मांग हमारी है, हमारा इंसाफ होना चाहिए,
नहीं, फर्स्ट लैंड यही नजर आई जो कच्चा था या पक्के वाले भी फर्स्ट लैंड में है? इस लैंड में आप कैमरा मार के देखो, पूरी बिल्डिंग पड़ी है, इससे पूरी लैंड फर्स्ट लैंड, मतलब ये मेरा साथ में होटल है, रेस्टोरेंट है, सब इनके साथ में मेरा खोखा है। आगे ये आगे रोड है, पीछे मकान है, आगे मेरा खोखा है, इधर कहाँ फर्स्ट लैंड आ गई है? मतलब सर कोई चाल होगी इनकी, कोई मुझे नोट्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई बात बताई नहीं मुझे, नहीं सर पीछे से आए, मगर मैं इधर होता चलो फिर बात करना, बच्चे थे, बच्चों को तक्का मार के बाहर निकाल के उन्होंने फटाफट निकाल दिया, वो और बंदे दो तीन बंदे थे इधर लोकल गाड़ी वाले, उन्होंने बोला क्या कर रहे हैं, बोलता नहीं हमारा इसमें हमारा नशका इसमें आ रहा है ऊपर, ऐसे बोला उन्होंने। जी एक हफ्ता हमें बताते हैं कि आपका ये ऐसा है, ये तोड़ना है तो आप सामान निकाल लो, या कल आएंगे या परसों आएंगे, हमें कुछ नहीं बताया, जैसे आए या पहला कुछ बताया होता, कुछ नहीं बताया हमें। जी तो अब क्या मांग करते हैं? और मांग यही करते हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों हमारे लिए क्यों है ये, हम दिहाड़ी लगा रहे थे आगे, पहला आपको पता ही है कोरोना चल रहा है, पहले बच्चों की फीस फिर भी देनी देनी है, तो वो फीस भी हम दे रहे, चलो यहाँ पे थोड़ा सा काम करके हम दिहाड़ी लाते रहे समझो अपनी, ये करके हम कर रहे थे, बच्चों का गुजारा कर रहे थे, तो ये बोलते फोन आया, हमें ये पता लगाना है कि फोन किसने किया, फोन बस यही पता लगाना है हमें, अगर हम दिहाड़ी लगे कोई नौकरी नहीं कोई कुछ नहीं है तो इधर दिहाड़ी लगा रहे थे बैठ के। मैं दवाई लेने गई, उसका काम ही यही बोलता, आज तो तोड़ना तोड़ना है ना, बच्चे बता रहे थे आज तेरा ये तोड़ना तोड़ना है बस, ये देखो गेंती मारी हुई है इसने, ये देखो उतनी क्या दुश्मनी थी, हमारा ही सामान उठा गए, हमारी गेंती उठा गए, इधर से यही तोड़ गया, अपना हथियार कुछ नहीं लाया था उसने, इधर से सामान उठा गए, ये देखो हमने देखा शराब कैसे, ये शेडू से तोड़ 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 गए, पैसे खाता लोगों से, पैसा खाता, हमें पता नहीं कि इसको लोग पैसे देते हैं, हमें बताता वो पैसों के लिए, तो फिर भी हम बात करते, उसने कुछ बात की नहीं, नहीं कुछ है, लोगों को बोलता है कि इन्होंने दिया कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं इन्होंने, खर्चा पर्चा नहीं दिया इनको, नहीं कुछ है, देना किस चीज़ का, हमने अपने बाहर है समझो, ये हमारा घर है साथ में, ये बाहर है, किस चीज़ का खर्चा देना है इसको, बिल्कुल। तो ये अगर अगर उन्होंने आना था, अगर उन्होंने तोड़ना था, ये हमारे जो पुलिस क्यों नहीं थाने में बताया, हमारे थाने में बताते वो, बिल्कुल थाने में बताते कि ये हमारे दो दिन में चार दिन का टाइम देते, हमें थाने वाले आते वो टाइम देते कि ये आप अपना सामान उठा लो या इसको उठा लो। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की? हमने कोई कंप्लेंट नहीं की, अभी नहीं कुछ, अभी जाएंगी मैं कंप्लेंट, रात को ये सब कुछ हुआ, हम रात को घर आए, तो अभी जाएंगे कंप्लेंट लिखवाने के। तो ये जिस तरह से यहाँ पे रगूड़ा, मांग करती हूँ मैं पुलिस से कि हमारा ये इंसाफ होना चाहिए, जो नुकसान हुआ ये नुकसान दे, और ये हमारा बाहर है, पहले ये फॉरेस्टर है कहाँ, और जो अब ये न्यूज़ भी मैंने सुनी है कि बोलते हैं कि अब ये जहाँ बाल होंगे वहीं बाल होंगे, गुज्जर बकरवाल हो या कोई भी हुआ, ये भी कानून अब लागू हुआ है, तो इन्होंने बताया क्यों नहीं है, ये बात बताई क्यों नहीं है हमें, नोटिस देना किस अफसर ने बोला, किस अफसर ने ये बोला कि ये किसी का जाके घर किसी का तोड़ दो जाके, सदियों के बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, कोई आज कल के नहीं है, 10 साल के या 15 साल के, इधर कब से है आपको क्या बताए, 300-400 साल से। हाँ तो ये यहाँ पे रगूड़ा गांव के साथ में लगता हुआ नेशनल हाईवे के बिल्कुल ऊपर, जो ये इनके द्वारा यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि पिछले लगभग 10-20 सालों से ये यहाँ पे जो है काम कर रहे थे, पीछे घर भी है इनका रगूड़ा में, और जिस तरह से ये तोड़फोड़ यहाँ पे की गई है, एक तरफ जो है गरीब जो ST कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए फर्स्ट राइट एक्ट लाए जा रहे हैं, गरीब कम्युनिटी के लिए खासकर, और हम जब भी इंटरव्यू करते हैं वहाँ पे हम पूरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गरीबों के लिए है या सब के लिए है, तो वहाँ पे यही कहा जाता है ये एक्ट का फ़ायदा जितना भी है सब गरीबों को मिलेगा, और फ़ायदा इतना मिल रहा है कि यहाँ पे जो इस तरह से 3 बच्चों की मौजूदगी में, माँ बाप यहाँ पे होते फिर भी बात थी, लेकिन 3 बच्चों की मौजूदगी में यहाँ पे जो है इस तरह का यहाँ पे इनका नुकसान किया गया। और मैं आपको बताऊँ कि नरवाल से लेकर सिदरा तक क्या कहीं पे भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है, बहुत सारे फेमस यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ढाबाज बने हुए हैं, बड़े सारे नाम अजीब अजीब तरह के नाम रखे गए हैं उनके, और वो लोग जो हैं लाखों रुपये दिन की सेल करते हैं, और ये गरीब परिवार अगर अपना यहाँ से 200-400 रुपया कमाता भी था तो क्या नुकसान हो रहा था इनका जिन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। और हाँ 2-4 दिन पहले या हफ्ता पहले अगर बता भी देते हो सकता था ये अपना कुछ ना कुछ अरेंज कर भी लेते, लेकिन उस तरह का भी इनको मौका नहीं दिया गया, और 3 ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं इनकी मौजूदगी में यहाँ पे जो है ये तोड़फोड़ की गई है। तो हम कोशिश करेंगे जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात हो सके हमारी। हेलो जनाब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर, न्यूज़ एयर इंडिया से। जी
सर ये रगोड़ा में जो ये नेशनल हाईवे के ऊपर खोखा बना हुआ है, शेड बना हुआ है, ये तोड़फोड़ का कारण जान सकता हूँ? सर मुझे क्या पता सर, ऊपर पता कर लो। ऊपर किधर? उधर रेंज ऑफिसर। रेंज ऑफिसर? क्या नाम है उनका सर? ब्लॉक अफसर को कर लो, अनवर है, अनवर चौधरी। अनवर चौधरी है? नहीं, आप यहाँ पे मौके पे मौजूद थे, तीन बच्चों की मौजूदगी में आपने ये इनका शेड तोड़ा है तो सर। हाँ, ऊपर से अफसर अफसर आए थे तो उन्होंने तोड़वाया सर, हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटे छोटे मुलाजिम हैं, हमारी थोड़ी सुनाई। बिल्कुल नहीं, रेंजर साहब ने बोला था, ब्लॉक ऑफिसर ने बोला था, किसने बोला था आपको? उधर रेंजर साहब भी आए थे, ब्लॉक अफसर भी आए थे, फॉरेस्ट गार्ड भी आए थे, सब आए थे। अच्छा, वो मौके पे मौजूद थे? जी जी जी। चलें ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, हम बात करते हैं उनसे भी। राकेश्वर जी से बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राकेश्वर सर, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर, न्यूज़ साइड इंडिया से, अभी लाइव चल रहा है, हम ना इधर रगोड़ा में हैं। हाँ जी। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा एक परिवार यहाँ पे, मतलब टूटा फूटा ये शेड है, इधर बैठे सोए हुए थे। हाँ। तो इनसे बात करने को दिल चाहा तो काफ़ी नुकसान हुआ है इनका, तो क्या कारण है सर इनका? ये फॉरेस्ट लैंड पे मैंने रेस किया था जी सर। ये कब का मामला है? ये कल उखाड़ा है, उन्होंने परसों शाम को रेस किया होगा। परसों इन्होंने बनाया था? हाँ जी, हाँ जी, शाम को। अच्छा, ये तो क्लेम कर रहे हैं सर हमें 10-15 साल हो गए यहाँ पे, मतलब ये काम करते हुए यहाँ पे। ये झूठ बोल रहे हैं जी जी। हाँ। तो सर ये इन्हीं का यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट लैंड में आता है या बाकी सारे जो है? ये बिल्कुल आप सामने देखोगे ना, वहाँ पे एक रेड पे हमारी डीपी लगी है, बाउंड्री पिलर। जी जी बिल्कुल, उसके सामने से ये लाइन जाती है, आप देखें सामने, इनके बिल्कुल सामने रोड के। नहीं सर, मतलब अब ये तो अपनी दिहाड़ी लगा रहे थे यहाँ पे, तीन बच्चे थे इनकी, इनकी मौजूदगी में यहाँ पे तोड़ा गया है, तो अगर मतलब थोड़ी देर इनको देते ही यूज़ करने, जब तक कोई फॉरेस्ट का यहाँ पे कुछ बनना था या कुछ था, बाकी जगहें भी तो हैं फॉरेस्ट की सर, यहाँ पे बड़े बड़े बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये बोल रहा है मैं गरीब हूँ, इसके साथ ही इसकी अपनी लैंड है बिल्कुल, उस पे इसने रेंट पे दी है और 50,000 पर मंथ लेता है ये जी, उस पे जी बिल्कुल साथ में, तो ये सिर्फ गरीबी का बहाना है ये जी। हाँ, ये बिल्कुल साथ में एक रेस्टोरेंट खुला ना, ये इसका है लैंड, ये इसने रेंट पे दी है। जी जी जी। तो हमारा हाँ जी जी। चल सर, अभी ये मतलब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या? आप पर गवर्नमेंट की लैंड है, आप क्या कर सकते हैं भाई? जी जी। चलें, थैंक यू सर मैं से बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक। तो ये हमारे से राकेश्वर जी थे, अब ये तो कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे है, आपने कल परसों मतलब यहाँ पे बनाया है, ये पहले का है, अब कल परसों का मसला नहीं है, इधर मतलब एक हज़ार बोरे कल परसों बनाया, इधर सर मैंने शेड बनाया 10 साल हो गया, और हम कम 100 साल से नीचे हमारा मकान है, यहाँ ये बोल रहा है इन्होंने दिया है, मेरे भाई का है, साथ में हमारे गवांडी है, 10 मकान है हमारे इसी लैंड में, और इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया, मेरा मकान है नीचे, और ये मैं बनाया, मेरे साथ में बाथरूम, ये मेरा साथ में बनाया, मैंने खोखा 10 साल पहले भैंस गाय बांधता था, ये मतलब झूठ मारता है, खुद पैसे खाते हैं लोगों से, मैं गरीब बंदा कहाँ से पैसे दूँ उनको, इन्होंने मेरे से खुद मांगा पैसे, फॉरेस्ट ने इसने खुद बोला, इन्होंने पहले मेरे को लोगों बोलते थे, मैं इसे जहाँ ये खोखे बनाते बनाने ना जंगलात में खोखे बनाए, उनसे पैसे लेने 50,000-100,00,000 रुपया ऐसे मांगना, मेरे से भी बोल रहा था गाड़ो, मगर मैं उसको मेरे साथ बातचीत नहीं है, बोलचाल नहीं है, मेरे से बोलता नहीं है वो, इसलिए उसने क्या काम किया, पीछे से आया, देखा पहले इधर दिन में, जब मैं इधर था तब दिल इधर से गुजरते थे, मैं इधर ये गार्ड इधर बैठ के चाय पीता था, दोनों आते थे बैठते, इनके सामने भीड़ है, यहाँ बैठते थे, अब इनको नज़र आ गया, कल परसों बनाया मैंने, मतलब इस सामान करते मैंने 3 साल हो गए, 4 साल इधर, मतलब सामान अपना दुकान का डाला है, काम करते, ये मेरा सामान पड़ा है, सब कुछ देखा, मतलब ये रेडी लाई है, ये 3 दिन में रेडी आती है, कुल्फी वाली लगा के इधर मैं बैठा हूँ, और बिजली का बिल है, सब कुछ है, ऐसे बकवास करते हैं, मतलब इधर मेरे पास चाय पीते था बैठ कर, वो अब तो इनकी मेसा बनती नहीं है, बोलता नहीं है, इसने खुद जिस तरह से ये बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे खुद की जगह है, रेस्टोरेंट है, आपने किराए पे दिए हैं, उसमें कितने से चाहिए? ओया सर, मेरा मकान है नीचे, भाई का है, मेरे भाई का है। अच्छा, आपके भाई का है? भाई का, वो देखो लिखा ऊपर ऑरेंज लिखा, मेरा भाई का है, मेरे गवांडी है, मल्ले के वो है, मेरा कहा मेरे मकान है अपना नीचे, मकान हमारा मेरे से भी, मेरी समाल से पहले का मकान बना, और मेरा मतलब ये खोखा बनाया मैंने, ये सामान पड़ा मेरा, अगर मेरा रेस्टोरेंट होता तो मैं इसके इधर बाहर बैठना था, मैं अपने रेस्टोरेंट में अंदर बैठता, ऐसे बकवास करते हैं, इस तरह नहीं बोलते हैं। 200 साल का हमारी 200 साल की जमीन है, ये मेरा लड़का है, इधर आओ थोड़ा सा, ये रेस्टोरेंट आपका ही है? हाँ।
ये आपके मेरे लड़के हैं। अच्छा लड़के गए। हाँ। इनके खाते में कितना है? ये खाते में ये है, ये मकान है थले नीचे, नीचे मकान है। हाँ। और ये वाला है। हाँ। ये इनके खाते में। हाँ। तो दुकान शुकान नहीं दी आपने इनको? दुकान बड़े नहीं है। अच्छा। हाँ। गाड़ी दी है। अभी रेंजर साहब तो बोल रहे हैं कि इनके खाते में ये रेस्टोरेंट चल रहा है, 50,000 रुपया, 15,000 पता नहीं 20,000 किराया ले रहे हैं। आप ले रहे हो किराया? इनको कुछ नहीं है, इनको ये दिया बनाया या हमारी जमीन को सजिएंगे? आज की थोड़ी है, दूसरी जनवाद के पार है, रोड के पार इधर है, पीछे जनवाद है नहीं, ये किसी जमाने की है, हमारी 200 साल पालेंगे हम। इसके साथ में जो नीचे जमीन लगती है वो आपकी है? हम ये 145 नंबर आपकी मार्केट जमीन है इंतकाल। अच्छा। हाँ, मार्केट जमीन है हमारी, ये पता नहीं क्या इन्होंने किया क्या नहीं, जबरदस्ती वो हम जो खोखे बने हैं सारे बने हैं। ये जो रेंजर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे कहीं बुर्जी लगी है उनकी, फॉरेस्ट वाली बुर्जी लगी है, पार वो लगी है रोड के पार, वो लाल मिट्टी लगी है। हाँ, इधर 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 बुर्जी लगी है, बुर्जी से पार है, रोड का आता है ये सुपट रोड का है, यहाँ बूती लगी है वहाँ, उससे सीधी सीधी क्रॉस होगी उस साइड से वो, मगर इस साइड नहीं है। नीचे हमारी जमीन है, मालकी है, हमारा बाप है, इनके नाम पर जमीन है, और इन मैं इधर ही मेरे को मकान में इधर ही बनाया, इधर ही मैं रहता हूँ, मेरा हम 3-4 भाई है इधर रहते हैं, बाकी हमारे गवांडी है इधर रहते हैं, बाकी इनकी बूती वो पार लगी है सामने और इस साइड में आती है। कल उन्होंने खाली मतलब बूती का तो मुझे बोला भी नहीं, मैं बूती लगी है जब मैं पहले पड़ा था सारे पहले कब बनाए थे पहले पहला का बना बना हमें बैंस बनते हैं हम इधर रहते हैं, ये किसी जमाने के इधर हम काम करते हैं, कोई बात नहीं जिनगाल बाल आते हैं उधर जाते हैं, मुझे बूती लाई ना, ये रोड कब का बना है? अच्छा, ये 65 से 65 का रोड बना है, 65 से 65 का बना है, 50-55 रोड बना है, उस वक्त जो है हमारा वो तकलीफ का जनगाल के खंभे उसके पीछे है। अच्छा। वो उस जमाना वो ऊपर जो अटारी है ना उसके पीछे खंभे है जनगाल के उसके पीछे, इसलिए हमारा गाय चाली पास जितने लोग राजे महाराजा ने उस वक्त की ये जमीन इंतकाल है मेरे को जो पूरा है, इसमें बाकी जमीन जितनी भी है ये लोगों की राजपूतों की ये मगर राजे ने जीता है, कोई लाल बांधता उस जमाने नहीं। इनको क्यों नहीं आपने दुकान बना के दी, इनको क्यों खाली जगह दे दी? इनको फिर से हो जाए इनको सले जमीन दे दी। अच्छा, नीचे जमीन दे दी, मार की जमीन दी थी। तो जिस तरह से रेंजर साहब बता रहे हैं कि इनका रेस्टोरेंट है, इनका नहीं है, इनके पापा का है और ये किराया ये लेते हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफी हो ही रही है ना? हाँ, बेइंसाफी मुझे आती है, अगर मेरा होता सर तो मैं इधर अब तो अलग है, आपका हिस्सा ऐसा अलग है सर, मेरे 3 बच्चे हैं और लागे मैं सर, पहले मैं ड्राइवरी करता था, उसके बाद मैंने मकान मेरा है, मकान मुझे मेरे बाप ने दिया, मकान मेरा है, बाकी 3 भाई है, 2 भाइयों को बाप ने इन्होंने दुकान करते थे, इन्होंने अपनी बात पर बना दी बाद में, तो मैं करता ड्राइवरी, तो मैंने फिर बाद में मैं अब ड्राइवरी छोड़ दी, अब मैं ही खोखा इधर मेरी भैंस गाय बांधता था, अब मैंने 10-12 साल का इधर करते हुए खोखा, तो वैसे अपने बच्चों को गुजारा कर रहा था, अब मैं भी आस्ते आस्ते बनाना था। सर अब क्या मांग करते हैं? अब देखो रेंजर साहब के साथ भी हमने बात की, आपके जो गार्ड बता रहे थे आप कौन सा वो क्या नाम बताया था खातुम, उनसे भी बात की, अब क्या मांग करते हैं? अब सर इनकी चाल कोई चाल होगी, मैं जो खातुम गार्ड है इसका यही काम है सर, कि फोन आए हमें कोई ऊपर से फोन नहीं इधर से कोई फोन कर रहा है। नहीं वो तो रेंजर साहब के साथ बात हुई ना? नहीं नहीं हमारी इंसान हमारी किसी से बात हुई नहीं, हमको नज़र से उन्होंने बोला भी नहीं, हमको बोल देते हैं ना भाई आप उठाओ, हमको बोलते भाई भैया हमारा सामान है यहाँ, कोई चक्कर नहीं, अगर आप जब जो कोई बनाना चाहेगा या कोई जब आएगा आपका लैंड आएगा नशका निकालो या कुछ, उन्होंने हमको बताया कुछ नहीं, हमको पता नहीं, हम जब मैं सामान लेके आया जब देखा बच्चे थे बाहर बैठे हैं, मेरा सारा सामान बाहर गिरा है, बच्चे रो रहे थे, मुझे पता नहीं, मुझे बताते हैं या वो बात होती है मुझे फिर भी, मगर हम जहाँ जब डाला था तब भी मतलब आज एक दिन का होड़ा है 10-12 साल का इधर, मतलब सब जो लोग हमारे को उन सबको पता है हम कब के इधर रह रहे हैं, ये मतलब एक दिन की बात थोड़ी सी, इन्होंने मतलब पता नहीं क्या चाल थी इनकी, मतलब फॉरेस्ट इसकी जो गार्ड है इसकी गार्ड का तो यही काम है, गार्ड को इसको पता इनका और भी इसका पहले भी इसकी FIR लगी है, पहले मर्डर में भी अंदर है ये गार्ड, कोई ऐसा हो रहा है पैसे लेता है लोगों से, हमारे को तो मतलब गरीबों को तो तंग किया ना इसने। चलो जी, अभी ये रुगुड़ा नेशनल हाईवे के ऊपर का ये सामने वाकया आपके रखा है और हमने दोनों पक्षों का जिस तरह से रेंजर साहब के साथ भी बात हुई, जिस तरह से ये बता रहे हैं गार्ड का नंबर इनके द्वारा दिया गया था, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर था, रेंजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, रेंजर साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट लैंड है, बुर्जी लगी है, अब किस में कितनी सच्चाई है, और ये जो यहाँ पे लाल मिट्टी है वो पार है शेह अब्दुल्ला कोई मूर्ति नहीं है, ये सजेंगे आज का थोड़ा यार, ये तो कोई कम से कम 47 के पहले हमारी जमीन है, हम पहले रहते हैं,
फिलहाल जिस तरह से तीन बच्चों की मौजूदगी में जो है ये शेड यहाँ पे इनका जो है तोड़ा गया है, नुकसान किया गया है, इनके बड़े यहाँ पे कोई भी नहीं मौजूद नहीं थे उस टाइम पे, और इस पे किस तरह की कार्रवाई बनती थी और किस तरह की गई है वो एडमिनिस्ट्रेशन हमसे अच्छा जानती है, और आगे आने वाला समय क्या यहाँ पे होगा, किस तरह से ये यहाँ पे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या फॉरेस्ट यहाँ पे बनाने देता नहीं बनाने देता है, वो आता समय ही बता पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ एट इंडिया, मैं फाजल मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।